तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं मीका दी वोटी जीतने के बाद, क्या लोगों का सवाल बढ़ चुका है कि आप शादी करोगे नहीं करोगे? आप क्या बता नहीं क्यों लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि आकांक्षा पूरी थोड़ा डेट भी करे, थोड़ा रोमांस भी करे, या वो मुझे सिर्फ दोस्ती में छोड़ देते हैं या शादी कराना चाहते हैं। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा डेटिंग फेज भी इंजॉय करना चाहती हूँ, बस वही नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। आकांक्षा से अगर पूछे पर्सनली शादी की लाइफ एंजॉय करना चाहती है, शादी के पहले की लाइफ एंजॉय करना चाहती है या पहले कंफर्ट जोन बनाना? बट डेफिनेटली कोर्टशिप पीरियड तो मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, और क्योंकि वो मैंने काफ़ी मिस कर दिया अपनी लाइफ में, बहुत लंबे टाइम से सिंगल हूँ, सो आई थिंक आई वांट टू एंजॉय दैट डेटिंग फेज एंड थोड़ा रोमांस हो लाइफ में तो मजा आता है। बट राइट नाउ इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट लाइक यू आर सिंगल, यू आर डेटिंग, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? बस जब गाड़ी को दोस्ती से आगे बढ़ाना पड़ता है, और वो भी जब इतनी लंबी दोस्ती हो, तो थोड़ा वक्त तो लगता है। एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी मच्योर्ड स्टेज पे हैं दोनों अपनी लाइफ के, तो किंडरगार्टन लव स्टोरी तो है नहीं कि टेडी बेयर और रोज और केक दे के कॉफ़ी पे डेट पे चले गए, तो आई थिंक उस चीज़ को बिल्डअप करने में टाइम तो लगेगा। आई एम ग्लैड कि मीका जी हैं मेरे साथ, तो काफ़ी कम्फर्टेबल। बर्थडे वीक है एंड आज प्लैनेट मीडिया इज कंप्लीटिंग 4 years। यस आपका भी 26 को है मुझे याद है। चल पूछ। मैम 4 साल हो गए प्लैनेट मीडिया को, आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी भी इतनी ही लंबी जर्नी रही है प्लैनेट मीडिया के साथ, मुझे भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए निधि के साथ एंड प्लैनेट मीडिया के साथ, एंड आई एम श्योर 400 साल भी हो जाएंगे अगर हम लोग रहे तो। एंड आई थिंक कोई और जोड़ी रहे ना रहे, निधि और मेरी जोड़ी हमेशा रहने वाली है, बिकॉज आई रियली कांट डू विदाउट निधि। एंड लोकल जंक्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे? लोकल जंक्शन, आई एम वेरी हैप्पी कि निधि ने हमें यहाँ बुलाया, बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छी वाइब है, एंड ये वाले ग्लोकल में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। आई हैव बीन टू द अदर ग्लोकल, सो आई एम ग्लैड टू बी हियर। एंड बर्थडे वीक है, कुछ प्लान किया रहेगा? यस आई थिंक मेरी बर्थडे वीक की पार्टी तो निधि ने ही दे दी, तो आई थिंक एक पार्टी तो आज हो गई है एंड बाकी एक सो निधि इज नॉट देयर फॉर माई बर्थडे, तो इसीलिए एक पार्टी यहाँ पे। एंड बर्थडे के दिन एक फाइनली इस बार मैं बहुत अच्छी पार्टी थ्रो कर रही हूँ, यूजुअली मैं अपना बर्थडे कम सेलिब्रेट करती हूँ, बट इस बार मेरे पास बहुत सारे रीजन से सेलिब्रेट करने। इसके अलावा हाल ही में आपने एक रियलिटी शो भी जीता है, आने वाले समय में बिग बॉस भी आने वाला है, खतरों के खिलाड़ी चालू है, झलक आने वाला है, कौन सा रियलिटी शो में नजर आओगे आप? इनफैक्ट ये रूमर भी चल रही है या ये बातें चल रही है कि आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया और आप जाने वाले हो, और मीका पाजी भी है? ये तो मुझे भी अभी पता लग रहा है, मीका जी से तो पूछना पड़ेगा, ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया यार। बट अभी हम दोनों, आई थिंक मैंने एक रियलिटी शो जीता है और शो से ज़्यादा बहुत कुछ और भी जीता है, तो आई थिंक अभी मैं वो एंजॉय कर रही हूँ, पहले हार्डली इतना टाइम हुआ है शो जीते हुए, तो आई एम रियली हैप्पी कि अभी तो ये फेज़ है, एंड आई एम श्योर इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया ये रियलिटी शो जीत के कि एनी रियलिटी शो आई थिंक आई एम गोना डू वन डे।